success mantra we shape future so hello students today we are going to discuss some other concept but this concept is related to percentage so firstly you should read this question what is the question if the price of petrol is increased by 22 2 by 9% by what percent the consumption of petrol reduced by a man so that there is no extra expenditure on it that means आप जैसे कहीं पे, पे पेट्रोल जैसे आपने गाड़ी वगैरह में पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल का प्राइस अगर उस ऑन दैट डे 22 2/9% इंक्रीज हो जाता है तो आपके पास पैसे तो उतने ही हैं तो अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो आप रेगुलरली जो आप पेट्रोल डलवाते थे जितना यानी कि जो कंजम्पशन आपका होता था अब वो कंजम्पशन उतना ना होकर अब आपको कम पेट्रोल डलवाना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपका प्राइस अब पेट्रोल का बढ़ गया है और आपके पास जो मनी है वो लिमिटेड है तो अब पेट्रोल आपके पास कम आएगा ठीक है तो अब क्वेश्चन ये है कि आप जो कंजम्पशन है उसमें कितना परसेंट कम कर रहे हो अगर प्राइस का अगर पेट्रोल का प्राइस इतना इंक्रीज कर रहा है तो कंजम्पशन कितना परसेंट कम होगा क्लियर है तो इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन हम सबसे शॉर्टकट सीखेंगे कि बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं ठीक है थीके? क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है अगर टाइम आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा ले रहे हैं तो इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है तो टाइम को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी चीज आ जाती है तो चलिए देखते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय ट्वेंटी टू बाई नाइन परसेंट फर्स्टली आपको यह पता होना चाहिए ट्वेंटी टू टू बाई नाइन परसेंट जो होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो जब हम फ्रैक्शन वैल्यू सीखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वन अपॉन नाइन की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है वन अपऑन नाइन की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितने परसेंट की होती है इलेवन वन अपॉन नाइन परसेंट क्लियर है अपॉन नाइन को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है इलेवन वन अपॉन नाइन परसेंट सो ट्वेंटी टू टू बाई नाइन परसेंट मीन इसी को मैं अगर डबल कर दूं इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूं सो ट्वेंटी टू टू बाई नाइन परसेंट क्लियर सो योर फ्रैक्शन वैल्यू इज टू बाई नाइन ओके इफ यू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल ट्वेंटी टू टू नाइन परसेंट दैट मीन्स टू बाई नाइन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्राइस ऑफ पेट्रोल नाइन था तो अब वो टू इंक्रीज हो गया है यानि कि अब वो कितना हो गया है इलेवन पहले नाइन था तो अब वो कितना हो गया है इलेवन हो गया यानी कि जो प्राइस है पेट्रोल का वो क्या हो गया है इंक्रीज हो गया है अब ये पूछा जा रहा है कि कंजम्पशन में कितनी कमी आएगी तो एक बहुत ही आसान तरीका है अगर आपको कंजम्पशन में निकालना है कितना ज्यादा आप कितना परसेंटेज आप कम करोगे तो सिर्फ आपको रिवर्स में देखना है ध्यान से देखिएगा कितना इजी है अगर प्राइस अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो कंजम्पशन होगा वो इस डायरेक्शन में क्या होगा डिक्रीज होगा तो कितना डिक्रीज हो रहा है तो यहां भी टू ही डिक्रीज हो रहा है लेकिन टू जो डिक्रीज हो रहा है वो किस पे डिक्रीज हो रहा है इलेवन पे जो हमारा टू डिक्रीज हो रहा है वो किस पे डिक्रीज हो रहा है इलेवन पे सो योर आंसर इज टू बावन इंटू हंड्रेड सो वॉट इज टू बाई इलेवन इन टू हंड्रेड दैट इज ट्वेल्व टू हंड्रेड अपॉन इलेवन इलेवन वन जे इलेवन इलेवन एट एट एटीन टू बायन परसेंट ओके तो आपका जो कंजम्पशन है वो कितना डिक्रीज हो गया एटीन टू 11 परसेंट क्लियर है सभी को कोई कंफ्यूजन किसी बात को लेके लेकिन अब पॉइंट ये भी आता है कि भाई इतनी आसानी से आपने कैसे कर दिया तो इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं हंड्रेड रुपीज का मान लो हंड्रेड रुपीज पर लीटर ये पर लीटर है मैंने इसका पेट्रोल डलवाता हूं और मान लीजिए ये पेट्रोल का प्राइस है और मैं डेली पांच लीटर डलवाता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी फाइव ठीक है तो फॉर्मूला क्या हो गया जो आपका एक्सपेंडिचर है जो आपका एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअली प्राइस इनटू कंजम्पशन कंजम्पन होगा प्राइस इनटू कंजम्पन होगा कि नहीं होगा क्लियर है क्लियर अब देखो अगर प्राइस इंटू कंजम्पन है अब एक पॉइंट याद रखना छोटा सा कभी भी आपको ऐसा मिले कि C इज इक्वल टू ए क्रॉस पी अगर आप चाहते हैं कि मेरा C मेंटेन रहे यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहे मेंटेन रहे इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता अब अगर आप A को इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली आपको दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा A को अगर आप इंक्रीज करते हो डेफिनेटली दूसरे को इंक्रीज करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा तो यहां पे भी अगर हमने प्राइस को इंक्रीज किया है तो कंजम्पशन को हमें क्या करना पड़ रहा है डिक्रीज तो जि, जिस डायरेक्शन में आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आप कंजम्पशन को क्या करोगे डिक्रीज करोगे तो आप देख रहे हैं नाइन टू इलेवन अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो फिर इलेवन टू नाइन हमारा कंजम्पशन क्या होगा डिक्रीज होगा तो केवल प्राइस और कंजम्पशन में नहीं ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला पुट हो रहा हो सी इज इक्वल टू ए क्रॉस पी ठीक है तो उसमें एक चीज़ अगर एक चीज अगर इंक्रीज करेगी तो सेकंड चीज क्या करेगी डिक्रीज ही करेगी ठीक है गाइस सो थैंक यू एंड एन एफ फॉर टुडे ओके थैंक यू